हमारे एंटी करप्शन में शिकायतकर्ता मितेंद्र सिंह पुत्र तेजवीर सिंह निवासी सिहारी नंदा थाना बिलारी ये आए हुए थे। इन्होंने शिकायत किया कि हमसे जो है रिश्वत के रूप में थाने में पैसा मांगा जा रहा है और वहाँ थाने के उपनिरीक्षक श्री रवि प्रकाश जो बिलारी में तैनात थे ये इन्होंने मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इनके दो पुत्रों के नाम निकालने के एवज में पैसों की मांग की थी जिसमें आज ये 15,000 रुपये देने गए थे और जो है इन्होंने 15,000 रुपये जब देने के लिए सब इंस्पेक्टर पास गए तो उन्होंने अपने बीट के हेड कांस्टेबल के लिए कहा कि पैसे इनको दे दो और वो बीट के हेड कांस्टेबल थोड़ा सा उनसे दरोगा जी से अलग हटके और पैसे लिए। मतलब दरोगा जी ने जब हेड कांस्टेबल को पकड़ा गया तो दरोगा जी को मौका मिल गया भागने का। शोरगुल सुन के उनको आभास हो गया कि एंटी करप्शन की टीम है और वो मौके से भाग गए। कितनी धनराशि मौके से बरामद हुई है और कितने का वादा किया था उन्होंने? 15,000 रुपये की धनराशि मौके से बरामद की गई है जिसकी जो है पहले से जो है सूचना थी ही हम लोगों को, वो बरामद की गई है और उनके जो नोटों पे जो पाउडर लगाया जाता है वो उनके हाथ भी रेड हो गए थे, गुलाबी हो गए थे। तो वो तो उनको जो पकड़ा गया बिल्कुल मतलब रंगे हाथों ही पकड़ा गया। फरार सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी होगी क्या? बिल्कुल होगी। क्या नाम है इस इंस्पेक्टर के? इनका नाम है रवि प्रकाश। जो गिरफ्तार हुए उनका क्या नाम है? जो गिरफ्तार हुए उनका मुख्य आरक्षी कौशल कुमार। शिकायतकर्ता कौन थे, कहां के थे सर? शिकायतकर्ता मितेंद्र सिंह पुत्र तेजवीर सिंह निवासी सिहारी नंदा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद। मेरा था या किसी और का था? पड़ोसी का बच्चे बच्चों मार भी देंगे। मैंने दो तारीख मुकदमा में रख दिया, लिखने के बाद में मेरे दूसरी पार्टी से पैसे निकल कर फर्जी मुकदमा कर दिया मेरे खिलाफ। कौन थे पैसे लेने वाले? रवि प्रकाश अरोवा जी। और उसके बाद में फिर मुझसे बोले कि भाई पैसे दो तो पाँच बच्चों के नाम निकल गया, हमें तो नहीं चाहिए। बातचीत 40,000 मुझसे मांगे थे, 20,000 रुपये मुझसे चले गए। 15,000 मौके पकड़े गए आज और 5,000 रुपये पहले नहीं थे। किसने पकड़े हैं पैसे? पैसे एप्लीकेशन के लिए। किस पर पकड़े गए? क्या नाम है? कौशल कुमार पकड़े गए। दरवाजे ने कहा था मुझसे कौशल को दे देंगे।